बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम डॉक्टर फखरुन्निसा वहीद, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर, बहरा टाउन इंटरनेशनल हॉस्पिटल, कराची। जैसा आपको पता है कि पूरी दुनिया में डायबिटीज़ डे, डायबिटीज़ वीक मनाया जा रहा है। स्पेशली 14 नवंबर को एज अ डायबिटिक डे मनाया जाता है। हम ये डे इसलिए मनाते हैं कि हम अपनी पॉपुलेशन को डायबिटीज़ के बारे में बता सकें। डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस ना सिर्फ के आम पॉपुलेशन पे होते हैं, बट बीइंग ऑब्स्टेट्रिशियन मेरा बताना आपको फ़र्ज़ है कि डायबिटीज़ का बच्चे पे, प्रेग्नेंट मदर्स पे, जो माएँ हमल से हैं या जो कि प्रेगनेंसी के रिप्लान कर रही हैं, उन दोनों पे असरात होते हैं। डायबिटीज़ का ये एक तो बच्चे का ना होना इज़ आल्सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। दूसरा, अगर बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ की वो माँ पे भी होती हैं और बच्चे पे भी होती हैं। माँ के हिसाब से डायबिटीज़ की, जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, गुर्दों पे असर होना और दिल पे असर होना, या आगे की तरफ वो माँ हमेशा के लिए डायबिटिक हो जाए अगर वो प्रॉपरली उस चीज़ को कंट्रोल नहीं करेगी। और बच्चे के असरात ये होते हैं कि उसमें रिकरेंट मिसकैरेजेस, बच्चों का ज़ाया हो जाना, बच्चे के दिल के दिल पे जो डायबिटीज़ का असर होता है, जिसे हम कहते हैं कि कार्डिक प्रॉब्लम्स जो बच्चे में हो सकते हैं, बच्चे का पानी बढ़ जाना, बच्चे का वज़न ज़्यादा बढ़ जाना, तो ये सब चीज़ें बच्चे के आगे की लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस करती हैं। जैसे कि अगर बच्चे का वेट बढ़ जाए तो मोस्टली सीजरन सेक्शन की तरफ, या बच्चों में फेफड़ों के मसले जो हम जिसे कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, या ज़्यादातर बच्चों का NICU में स्टे करना, और ये उस बच्चे के लिए भी कि आगे वो डायबिटिक बच्चा बन जाए। तो ये सब चीज़ें, इन कॉम्प्लिकेशन हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, प्रॉपर अवेयरनेस, स्क्रीनिंग एंड द मैनेजमेंट, उसके लिए आप बहरा टाउन हॉस्पिटल आएँ। हम आपको प्रॉपरली स्क्रीन करेंगे, गाइड करेंगे। हमारे पास एजुकेशनल क्लासेस होती हैं मदर्स के लिए, वो आप लें ताकि हम इन डायबिटीज़ से किल कर सकें।